हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना। और यार, आज से हम द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यार वीडियो में एंड तक बने रहना। और यार, एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मुझे एक लड़की पसंद है और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है और मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। और हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी सुंदर होती है और उसका नाम मेई होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुमुरा स्कूल आ जाता है और तभी उसके पास से मेई गुजरती है। तो कुमुरा उसे देखता रह जाता है और फिर वो मेई की बगल वाली सीट पर आके बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कुमुरा का पूरा ध्यान मेई पर होता है और वो उसे देख रहा होता है। और वो कहने लगता है कि मेई जब भी अपना मुंह खोलती है तो वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल देती है, लेकिन ये वियर्ड लड़की है जिससे मुझे प्यार हो गया है और भले ही वो मोटी मोटी लेंसेस पहनती हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खूबसूरत आंखों से मेरी ओर देखे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मेई ने ग्लासेस नहीं पहने होते हैं, तो उसे देखकर कोमुरा कहने लगता है वो बहुत क्यूट है, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ी लग रही है हालांकि वो बहुत क्यूट है। और तभी मेई कोमुरा को गुड मॉर्निंग कहती है, तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और कोमुरा बहुत नर्वस होता है और उसे लग रहा होता है कि वो उससे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी मेई उससे कहने लगती है कि मैं आज अपने ग्लासेस भूल गई हूँ इसलिए मैं देख नहीं सकती। ये सुनकर कोमुरा कहने लगता है कि काश मैं उसकी मदद कर पाता, लेकिन से कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसकी मदद कैसे करे। और तभी मेई उससे कहने लगती है कि इनमें से कौन सी हिस्ट्री की बुक है। तो कुमरा उससे कहने लगता है क्या मैं तुम्हारा बैग देख सकता हूँ। तो मेई उसकी तरफ देखने लगती है और ये देखकर कुमरा उसे अपनी बुक ऑफर करने लगता है। तो मेई अपनी कुर्सी को लेकर उसके पास आ जाती है और वो कहने लगती है आओ इसे एक साथ पढ़े। और वो कुमरा के बहुत करीब होती है, तो ये देखकर कुमरा घबरा जाता है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों उस बुक को एक साथ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेई के इतने करीब होने से कुमरा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा होता है और वो नर्वस होने लगता है। और मेई उसके बहुत करीब होकर बुक को पढ़ रही होती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो कुमुरा उसे बुक दे देता है और वो कहने लगता है वैसे ही मैं बुक्स का यूज नहीं करता हूँ। तो मेई उसे कहने लगती है तुम यूज नहीं करते तो ठीक है फिर। और ये कह कि वो उस बुक को बहुत पास से पढ़ने लगती है। तो ये देखकर कुमुरा कहने लगता है मैं इस बुक को अपनी फैमिली का ट्रेजर बनाने जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके कुछ करीब आ गया हूँ। और तभी मेई उससे कहने लगती है मैं तुम्हें देख नहीं सकती, वैसे तुम हो कौन? तो कुमुरा उसे अपना नाम बताता है। तो ये सुनकर मेई कहने लगती है वो मेरे बगल में बैठता है ना। और वो कुमुरा को फिर से थैंक्स कहती है। और फिर हम देखते हैं कुमुरा कह रहा होता है कि मैं इसकी कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैंने इसके लिए टीचर का कहा एक भी शब्द नहीं सुना। और वो मेई को याद करके कहने लगता है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। और फिर हम देखते हैं कुमुरा वहां से जा रहा होता है, तो मेई उसे वहां पर बैठी दिखती है। तो वो उससे कहने लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ है? तो मेई उससे कहने लगती है तुम कौन हो? तो कुमुरा उससे कहने लगता है जो तुम्हारे बगल में बैठा था और जिसके बहुत करीब तुम्हारा चेहरा था। और ये कह के वो शर्माने लगता है। तो मेई उसे पहचान लेती है और कुमुरा उससे कहने लगता है क्या सब कुछ ठीक है? तो मेई कहने लगती है मेरे जूते बहुत बड़े हैं। तो उसके जूतों को देखकर कुमुरा कहने लगता है वो मेरे जैसे सेम जूते पहनती है। और ये कह के वो लॉकर्स की तरफ देखता है, तो उसका लॉकर खुला होता है। तो मेई से कहने लगता है क्या तुम्हें यकीन है कि ये मेरे जूते नहीं है? और हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं। मेई की फ्रेंड उससे कहने लगती है क्या तुम सौरों की तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कौन से जूते हैं? तो मेई कहती है हाँ, और तुम बस अपनी क्लब मीटिंग में जाओ। और फिर हम देखते हैं मेई एक एक करके लॉकर देख रही होती है, तो उसे उसके जैसे ही जूते मिल जाते हैं, तो वो उन्हें पहन लेती है। और ये सब कुछ वो कुमुरा को बता रही होती है और वो कुमुरा को सॉरी कहने लगती है। तो कुमुरा कहने लगता है नहीं ये ठीक है। और कुमुरा अपने मन में कहने लगता है मुझे अपने जूतों से बहुत जलन हो रही है। और फिर कुमुरा मेई के लॉकर को खोल के देखता है, तो उसके जूतों के ऊपर एक मेंढक बैठा होता है। तो उसे देखकर कुमुरा मेई से कहने लगता है क्या तुम्हें मेंढकों से कोई परेशानी है? तो मेई मना कर देती है और कुमुरा मेई के जूतों को उठाकर उस पर बैठे मेंढक को वहां से भगा देता है। और फिर वो उन्हें मेई को दे देता है। तो मेई अपने जूतों को पहन लेती है और वो और कुमुरा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुमुरा मेई को रोकता है और वो उससे कहने लगता है तुम्हारे शू लेसेस खुल गए हैं। और फिर हम देखते हैं कुमुरा मेई के लेसेस को बांध रहा होता है। तो मेई उससे कहने लगती है तुमने आज मेरी बहुत मदद की और किसी दिन मैं रीपे करूंगी। और कुमुरा अपने मन में कहने लगता है मैं आज पूरे दिन मेई के साथ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ हुआ मैं उसे नहीं भूलूंगा। और तभी मेई उसके बहुत करीब आ जाती है, तो ये देखकर कुमुरा चौंक जाता है। और मेई उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, इसीलिए मैं ये सॉर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा ना भूलूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देख सकती, तो अगली बार मुझे ठीक से दिखाना। और मेई बाय कह के वहां से चली जाती है और कुमुरा उसे देखता ही रह जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं। कुमुरा कह रहा होता है कि मेई स्कूल के पास ही रहती है और मुझे उम्मीद है कि मेई अपने ग्लासेस फिर से भूल जाएगी। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कुमुरा मेई को देखकर कहने लगता है वो फिर भूल गई।
और मैं ही अपनी फ्रेंड से कह रही होती कि मैंने अपने ग्लासेस पर पैर रखा और उसे तोड़ दिया। और ये सुनकर कोमुरा कहने लगता है ये डेफिनेटली एक कर्ज जैसा लगता है। और फिर हम देखते हैं स्पोर्ट क्लासेस चल रही होती है और कोमुरा मई से कहने लगता है तुम कोर्ट में क्यों खेलोगी और तुम खेली क्यों रही हो और तुम बॉल को देख भी नहीं सकती। तो मई कहने लगती है कि मैं ये भी नहीं बता सकती कि कौन फ्रेंड है या एनिमी। तो ये सुनकर कोमुरा उससे कहने लगता है अब तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे हम बॉर में हूँ। और कोमुरा अपने मन में कहने लगता है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बेस की थी कि मई अपने ग्लासेस फिर से भूल जाएगी। और फिर वो मई के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैं मई की डायरेक्शन में जाने वाली हर बॉल को रोक दूंगा। और मई कोमुरा के पीछे छिप जाती है लेकिन सामने की टीम का एक बंदा कोमुरा को बॉल मार के उसे आउट कर देता है। और फिर हम क्लास में देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और वो मई को आवाज लगाते हैं लेकिन मई सो रही होती है। तो उसे देखकर कोमुरा कहने लगता है वो अब सो क्यों रही है। और तभी कोमुरा को याद आ जाता है कि डॉजबॉल खेलते समय वो उसके सामने आ गई थी और उसने उसे बचाया था तो वो नॉर्मल से ज्यादा थक गई होगी। और तभी टीचर उसे आवाज लगाने लगते हैं तो कोमुरा कहने लगता है मुझे उसे जगाना होगा। और वो उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है और कहने लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता। और तभी टीचर फिर से मई को आवाज लगाने लगते हैं तो कोमुरा अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहने लगता है मई आज अपने ग्लासेस भूल गई है और जब तक वो करीब नहीं जाती तब तक वो बुक नहीं पढ़ पाती है और वो सोई नहीं है। तो ये सुनकर टीचर कहने लगते हैं कि तो फिर तुम ऐसा कह सकती थी। और ये कहकर टीचर वहां से चले जाते हैं लेकिन कोमुरा ने उन्हें बेवकूफ बनाया होता है और वो कहने लगता है मुझे उसे किसी तरह उठाना होगा। और फिर से वो उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। लेकिन तभी मई खुद ही उठ जाती है और वो अपनी डेस्क पर कुछ ढूंढने लगती है तो उसे देखकर कोमुरा कहने लगता है वो क्या कर रही है। और मई कोमुरा की तरफ देख के कहने लगती है डैड। तो ये सुनकर कोमुरा चौंक जाता है और मई उससे कहने लगती है डैड क्या आपने मेरे ग्लासेस देखे हैं। तो कोमुरा उससे कहने लगता है मई तुम क्या अभी भी सो रही और मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तो मई उससे कहने लगती है आप डैड हो और शायद आपने गलती से दोबारा मेरे ग्लासेस पहन लिए हैं और जो भी हो मुझे और नींद आ रही। और ये कह के मई कोमुरा के कंधे पर सिर रख के सो जाती है। तो कोमुरा कहने लगता है आखिरकार मैंने मई को टच कर लिया और प्लीज गॉड इस पल को हमेशा के लिए रहने दो। लेकिन तभी सेन से मई के सिर पर बुक मारते हैं और वो कहने लगते हैं ये अलाउड नहीं है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मई क्लास में आ जाती है और उसने ग्लासेस नहीं पहने होते हैं। तो उसे देखकर कोमुरा कहने लगता है मुझे अब इसकी आदत हो गई है लेकिन अगर वो ऐसा जारी रखती है तो मुझे इसकी चिंता होती है। लेकिन तभी मई कोमुरा को बहुत करीब से देखने लगती है तो कोमुरा उससे कहने लगता है ये मैं हूँ कोमुरा। और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं डेफिनेटली अभी शर्मा रहा हूँ लेकिन थैंक गॉड कि वो देख नहीं सकती। और तभी मई उससे कहने लगती है कि तो तुम ऐसे देखते हो। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। और तभी उसकी एक फ्रेंड उससे ग्लासेस के बारे में पूछती है तो मई उससे कहने लगती है मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट ट्राई कर रही हूँ तो मैं ठीक से देख सकती हूँ। और फिर हम रात का सीन देखते हैं कि कोमुरा शर्मा रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।